हे एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल द फाइनेंशियल लिटरेसी मैं हूँ आपकी दोस्त प्रिया और आज हम बात करेंगे कि थर्सडे के लिए यानी कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर हमारे क्या व्यूज़ रहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले अपडेट्स हम देखेंगे कि कल के लिए क्या है उसके अलावा लर्निंग क्या है आज की लर्निंग मीन्स आज के मार्केट में हमें किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए था एंड सेकेंड थर्ड थिंग सॉरी लास्ट हम देखेंगे कि uh, कल के लिए हमारे टारगेट्स क्या होंगे लेवल्स क्या होंगे और वो हम देखेंगे डेटा बेसिस पर सो फर्स्ट ऑफ ऑफ ऑल बात कर लेते हैं अपडेट्स की अपडेट्स ये है कि आज जो है फेड मिनट्स आने वाली है ये शायद आपको समझ नहीं आया होगा जो नहीं जानते हैं वो इसका मतलब ये है कि जो रेट हाइक्स है उस पर एक्सपेक्टेशंस बताई जाएंगी कोई प्योर uh, रिजल्ट uh, नहीं बताएगा कितना रेट हाइक हुआ है बट एक्सपेक्टेशन्स बताई जाएंगी सिनेरियो ये है कि लास्ट uh, टाइम से नाइन पॉइंट समथिंग था 8.5 जो है उसके बाद डेटा हमें मिला था इन्फ्लेशन का तो ऑलमोस्ट लोगों के माइंड में क्या बना हुआ है कि ईज है इन्फ्लेशन में तो रेट हाइक जो 0.75 परसेंट था लास्ट टाइम जो आया था वो 0.75 परसेंट दोबारा रिपीट ना हो क्योंकि वो तो तब आया था ना तब नाइन नाइन पॉइंट समथिंग जब भी हमारा इन्फ्लेशन रेट आया था तो अब अगर उससे कम इन्फ्लेशन डेटा हमारा आया है तो जीरो भी अगर आता है तो वो हमारे लिए नेगेटिव होगा तो एक्सपेक्टेशन ये कि 0.75 से नीचे आए तो मार्केट पे अच्छे इम्पैक्ट देखने को हमें मिलेगा और अगर 0.75 पॉइंट सेवन फाइव या उससे ज्यादा हमें मिलता है तो वही हमें नेगेटिव जो है वो वाले इम्पैक्ट उसमें देखने को मिलेगा बाकी देखते हैं कि यूएस फ्यूचर्स में और बाकी यूएस मार्केट में उस तरीके से क्या रिएक्शन बनता है तो ये कल के लिए अपडेट्स हो गई इसके साथ साथ जो दो इंपॉर्टेंट चीज डीएक्स एंड क्रूड ऑयल जो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ डीएक्स अगर हम देखते हैं इस टाइम पर न्यूट्रल ही है ज्यादा कुछ है नहीं इसमें हमें देखने के लिए तो डीएक्स वाई तो न्यूट्रल है इतना अपने हाई से कम आ चुका है और इसका कम होना ही हमारे लिए बेटर है कैसे बेटर है मैं आपको हमेशा बताती हूँ दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जितना ये बढ़ता है डीएक्स वाई उतनी ही डॉलर डॉलर की जो स्ट्रेंथ होती है वो बनती जाती है और लोग जो है वो मार्केट से पैसा निकाल कर डॉलर में लगाना स्टार्ट कर देते हैं तो इसीलिए जो यूएस डॉलर है डीएक्स वाई है वो जितना कम रहे उतना बेनिफिट है आप क्रूड ऑयल के बारे में देख लेते हैं क्रूड ऑयल जो है वो भी डाउन ही है नाइनटी वन अराउंड गिरना शुरू हुआ था वन uh, हंड्रेड से गिरा है और काफी वन पर आ चुका है हमारे लिए अच्छी बात है इसके अलावा जो वर्ल्ड मार्केट है उसमें टू हंड्रेड एंड नेक जो है वो नेगेटिव वन हंड्रेड so, ट्वेल्व सो देखते हैं कि आज रात में किस तरीके से इसका एक्शन हमें देखने को मिलता है और रिकवरी हो पाती है या नहीं हो पाती क्योंकि कल के लिए हमारी एक्सपायरी है और हमारे एक्सपायरी पर जो वर्ल्ड मार्केट है उसका भी हमें सपोर्ट चाहिए अगर हमें निफ्टी में जो डेली ब्रेकआउट हुआ था उसको हमें आगे सस्टेन करना है तो अब बात करते हैं अपडेट्स के बाद लर्निंग्स की आज किस तरीके से ट्रेड मिला था हमेशा की तरह एक ही स्ट्रेटेजी भाई मैं आपको रिपीट करके बताती हूँ सेम स्ट्रेटेजी सेम ही ट्रेड आपको डेली मिलते हैं आप कल का चार्ट देख लीजिए 16 था मैं इससे पीछे चार्ट में नहीं जाऊंगी क्योंकि स्ट्रेटेजी पर एक और नई वीडियो बनाने के बारे में मैं मैं सोच रही थी जिसमें मैं पूरे चार्ट आपके सामने एनालाइज करूंगी तो उससे पहले जो आज कल जैसे 16 थी 16 को कैसे मार्केट ने ओपन किया रेड कैंडल के साथ फाइव मिनट के चार्ट फ्रेम पर रेड कैंडल के साथ ओपनिंग उसके बाद जो था रेड कैंडल का जो हाई था यानी जो हमारा ओपन हाई था वो कटा और ऊपर के साइड के हमें टारगेट्स मिले उसके बाद वहां से जो है हमें सेलिंग देखने को मिली आ सेम सेम स्ट्रेटेजी जैसे मार्केट ओपन हुई फाइव मिनट्स में रेड कैंडल उसके बाद रेड कैंडल का हाई कटा और उसके बाद डायरेक्ट मार्केट ऊपर अब जब तक हमें कुछ ऐसा फॉल नहीं मिलता या हमें मतलब आप आप हर स्विंग पर आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलनी है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या मेनली आप सारा यहीं पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आप और भी ज्यादा लॉन्ग है यानी लॉन्ग कैसे है कि उस टाइम पर पुट राइटिंग्स बढ़ रही है कॉल राइटिंग्स कम हो रही है या साथ साथ में जो यूएस है यानी जो यूएस फ्यूचर हम साथ साथ देखते रहते हैं डोजोन्स नेस्टेक है वहां पर ज्यादा नेगेटिविटी नहीं बनी हुई है वो हमारे साथ हमको सपोर्ट कर रहे हैं तो हम और लोगों के लिए होल्ड कर सकते हैं बाकी अगर हमें लगता है कि सिनेरियो आसपास का थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है और नेगेटिव जा रहा है तो आप अपनी पोजिशन यहाँ पर कट कर सकते हैं और इसके अलावा फिर यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो तो स्ट्रेटेजी देखिए स्ट्रैटेजी आप पूछते रहते हैं चैनल पर सर्च करते रहते हैं स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटी सिंपल स्ट्रैटेजी कि फर्स्ट कैंडल जैसे ही ओपन हो अभी तो क्योंकि ट्रेंड बुलिश साइड चला हुआ है फर्स्ट जो सेलर है उनको ट्रैप करते हैं उसके बाद यहां पर जो जैसे ही उसका हाई कटता है हम एंट्री करेंगे आगे जाके स्विंग्स पर होल्ड करेंगे कुछ टाइम तक हाफ एन आवर तक उसके बाद ऊपर जाकर हम अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं आज फर्स्ट है, ये लगा कि जहां पर भी आपको ये लगता है कि जैसे इस तरीके से चल रहा है मार्केट ने ऊपर गई नीचे फिर ऊपर गए हायर हाइज लोअर हाई हायर हाइज लोअर हाई हायर हाइज लोअर हाई जब तक इस ट्रेंड में चल रहा है मार्केट तब तक अपनी पोजिशन को लेके चलो जहां पर आपको लगे कि हाँ यहाँ पर हाई है एक बात याद रखना कभी भी हाई हम नहीं पकड़ सकते हम जहां पर भी आपको सिनेरियो चेंज होते हुए लगे या बड़ी बड़ी कैंडल्स रेड कर बने या फिर आपका जितना रेशियो था आपने उतनी प्रॉफिट बुकिंग कर लिया वहां पर एग्जिट कर जाओ उसके बाद ज्यादा लॉन्ग पोजिशन आपको होल्ड करनी है तो वो सीनेरियोज आपके जो है हेल्प करते हैं जो की मार्केट जो है वो किस तरीके से चल रही है तो मेनली ये हो गया मेनली ये वाली चीज जो हो गई आपकी ये हो गई आपकी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड अब मेनली हम बात करेंगे? हमेशा की तरह, डेटा को देखेंगे, करेंगे अब आप पहले नोटिस ये करिए कि आज मार्केट ने जो टर्न किया है जो मार्केट वापस आई है वो कहां से आई है पहले तो हम रेजिस्टेंस देख लेते मार्केट ने इतने टाइम्स वहां पर जाने का ट्राई किया लेकिन मार्केट जो है वहां पर जा नहीं पाई दो ट्रेड आज के प्लान होते थे पूरे मार्केट में जो सेफ ट्रेड थे एक तो ये वाली स्ट्रेटेजी मैं आपको बता चुकी हूं सेकेंड चीज मार्केट यहां पे गया दोबारा रिवर्स हो गया दोबारा गया यहां पे काफी टाइम तक विक्स बना के मार्केट ने कंसोलिडेशन करा दोबारा रिवर्स हो गया थर्ड टाइम गया सेकेंड टाइम थर्ड टाइम यहां पर फोर्थ टाइम फिफ्थ टाइम मार्केट ने यहां पे क्रॉसिंग दिया उसके बाद हम यहां पर एक जो ये वाली कैंडल बनी है रेड कैंडल के बारे में भी मैं आपको बता हूँ जो रेड कैंडल होती है इन बार होती है और इन साइड बार जब भी हमें एक अच्छे ग्रीन कैंडल के बाद जब भी हमें इन साइड बार मिलती है इन साइड बार ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पूरी ही रेड बन जाए नहीं छोटी सी इन साइड बार होनी चाहिए उसके बाद हमें जो मोमेंटम मिलता है वो अच्छा मिलता है उसके बाद हमें ट्वेंटी पॉइंट का अराउंड मिला है मोमेंटम यानी हम स्कैल्पिंग कर सकते थे इधर वाले पॉइंट पर और देन दोबारा से यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिला अब सेलिंग हमें किधर से देखने को मिला सेवेंटीन नाइन सिक्सटी सिक्स से हमें सेलिंग देखने को मिली है और डेटा पे आप कॉल राइटिंग देखोगे तो अराउंड सेवेंटी नाइन फिफ्टी पर हमारा आज, आज हमारी कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा थी एंड एटीन थाउजेंड पर हमारी बहुत ज्यादा थी यानी अराउंड एटीन थाउजेंड के बहुत पास से ही जो है मार्केट ने रिवर्सल लिया है तो अभी मेन चीज कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है अब डेटा में अगर आप देखोगे तो एटीन थाउजेंड इम्पॉर्टेंट हो गया यानी एटीन थाउजेंड जो है उसमें कॉल राइटिंग कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा है तो मेन चीज क्या हो गई जहां से आज मार्केट घूमी यानी इतनी बार तो रेसिस्टेंस ब्रेक करने नहीं दिया उसके बाद जब रेसिस्टेंस ब्रेक किया उसके बाद भी 2025 के पॉइंट के बाद घुमा दिया इसका मतलब सिंपल ये होता है कि यहां पर जो है सेलर्स एक्टिव है और जब तक ये सेलर्स ट्रैप नहीं होंगे ऊपर का साइड मूव नहीं मिलेगा तो मेन चीज ये है कि ये लेवल कल निकले जो हाई लगाया विक का वो कल निकले सेवनटीन ये निकले सेवेंटी सिक्सटी फाइव और हम लेके चलेंगे नाइन तक 17975 so, 17, तक ये वाले लेवल्स हमारे निकलने चाहिए अगर ये 10 पॉइंट्स तक ऊपर हमें मार्केट निकलते हुए देखती है तो हमारे जो टारगेट आएगा वो 18000 फर्स्ट हमारा जो टारगेट आएगा वो 18000 क्योंकि 18000 पे कॉल राइटर ज्यादा है और 18000 के बाद छोटे ही टारगेट लेंगे हम ज्यादा बड़े टारगेट नहीं लेंगे एटीन थाउजेंड हमारा सेकेंड टारगेट आता है बाकी आप ऊपर जाते हुए निफ्टी को देख सकते हैं नेक्स्ट फिफ्टी पॉइंट आप एड कर सकते हैं एटीन ये हमारे ऊपर के टारगेट होंगे अब नीचे के टारगेट्स होंगे जहां हमारा आज इंपॉर्टेंट जहां से हमारा ब्रेकआउट हुआ था बार बार इस वाले पॉइंट से जो है रेसिस्टेंस लिया गया ब्रेकआउट होता है अगेन इधर से ब्रेकआउट होता है अगेन यहां पर आता है रिट्रेस करके जो निफ्टी है हमें रिवर्सल इधर से देखने को मिला तो ये इंपॉर्टेंट काफी हो गया है यानी अगर कल दोबारा निफ्टी हमें इस वाले पॉइंट पर यानी सेवनटीन नाइन वन सेवन सेवनटीन नाइन ट्वेंटी आप राउंड ऑफ कर सकते हैं अगर यहां वाले पॉइंट पर अगर आपको कल निफ्टी दिखती है तो दो केसेस बनते हैं या तो यहां पर आके रिट्रेस करे वापस चली जाए या फिर इसको ब्रेक कर दे ब्रेक करें 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग हमें चाहिए नीचे के टारगेट जो है हम वो ले सकते हैं जो आप स्टार्टिंग की कैंडल का हाई लगा था हमारा 17898 यानी अराउंड 17900 ये हम देख सकते हैं हमारा फर्स्ट टारगेट छोटे टारगेट लेंगे नीचे के साइड ये टूटता है तो उसके बाद जो हमारी कैंडल है लास्ट तक हम जहां से स्टार्टिंग हुई थी वहां तक जाते हुए हम निफ्टी को देख सकते हैं अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर बैंक निफ्टी में भी सेम एक्शन सेम स्ट्रेटजी वैसे बैंक निफ्टी में आज जब स्टार्टिंग का मोमेंटम आप देखोगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑपोजिट था जो निफ्टी थी जहां से उन्होंने ऊपर आना स्टार्ट करा निफ्टी में अगर आप देखोगे के फर्स्ट कैंडल के बाद अपसाइड बैंक निफ्टी जो है वो डाउनसाइड था तो आपको इस तरीके से देखना है कि बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है एक दूसरे के इस टाइम पर आप ट्रेड में एंट्री मत कीजिए जब आपको ऑपोजिट हाँ आप अगर अपनी स्ट्रेटेजी पर स्ट्रिक्ट हो उस टाइम पर आप कर सकते हो लेकिन दोनों जब ऑपोजिट होते हैं तब हमें नहीं करना चाहिए तो अभी बैंक निफ्टी में हमें क्या दिखा बैंक निफ्टी में एक ट्रेड जो हमें सही दिखा अगर आप लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके बैठे थे तो इधर आप एंट्री कर सकते थे एंड तक होल्ड करते आपको ये बीच में जो डाउनफॉल्स दिखे हैं यानी हर बार सेल पर जो बाइंग आ रही है वो आपको इतना ज्यादा सफर नहीं करना पड़ता उस वाली चीज से वो आप बियर नहीं करना पड़ता मेन आपको जो एंट्री मिली है बैंक निफ्टी में आज ट्रेड में वो मिली है इस वाले पॉइंट पर जहां पर बैंक निफ्टी अराउंड थ्री टाइम्स ऑलरेडी रेसिस्टेंस ले चुका था फर्स्ट टाइम ओपनिंग के टाइम पे सेकेंड टाइम आया दोबारा फेल हो गया थर्ड टाइम आया दोबारा खींचकर नीचे ले गए फोर्थ टाइम में बैंक निफ्टी ने इधर से जहां पर क्लोजिंग दी आप नेक्स्ट जो है टारगेट्स ले सकते थे यहां पर आपको स्केल्पिंग ही करनी थी उसके बाद डाउनफॉल हमें बैंक निफ्टी में आते हुए दिखाया तो वही सेम चीज अराउंड कहां से आपको दिखाई दे रहा है थर्टी से बैंक निफ्टी घुमा है और बैंक निफ्टी का अगर हम कॉल राइटिंग देखते हैं बैंक निफ्टी की तो कॉल राइटिंग बैंक निफ्टी के आज 300, 400, 500 तीनों ट्रैप हुआ है फाइव हंड्रेड वालों से अभी बैंक निफ्टी जो है 500 को क्रॉस नहीं कर पाया तो हमारे लिए थर्टी नाइन इंपॉर्टेंट रहेगा एंड उसके बाद जो सबसे बड़ा कॉल राइटर है मैं वो 40,000 पर दिख रहा है तो थर्टी नाइन अगर निकलता है तो हम 40,000 तक का एक रैली जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो ये हाई 505 था एंड 505 के बाद जो 525 हमारा निकलना चाहिए किस लिए क्योंकि हमेशा की तरह मैं आपको समझाती हूँ कि 20 25 पॉइंट्स जो होते हैं वो एसएल होते हैं एसएल कटने में टाइम लगता है एसएल कटने में 20 पॉइंट्स तो चाहिए एटलीस्ट मतलब ऐसा हो सकता है कि 505 निकले 515 पे आप न, आ, 515 पर पहुंचा एस एल कंप्लीट कटानी है दोबारा से यहाँ पर सेलिंग पोजिशन गई और आप दोबारा से नीचे चले गए मार्केट दोबारा से नीचे चली गई तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए प्योरली सेफ ट्रेड तभी बनेगा थर्टी नाइन फाइव ट्वेंटी फाइव के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट थर्टी नाइन सिक्स हंड्रेड सेवेंटी फाइव पॉइंट्स के बाद थर्टी नाइन सिक्स हंड्रेड के बाद थर्टी नाइन सिक्स एटी हम जो है नेक्स्ट टारगेट के लिए जा सकते हैं हमारे बैंक निफ्टी में एंड नीचे के साइड के टारगेट हम देख लेते हैं अगर कल निफ्टी की तरह भी इसमें जो हमारा आज रेसिस्टेंस बना है काफी टाइम्स में फोर टाइम्स जहां पर रेसिटेंस लिया वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा इसके ऊपर निकलने के बाद अगर इससे नीचे जाते हुए दिखती है यानी थर्टी नाइन थ्री सिक्सटी सिक्स से नीचे जाते हुए दिखती है तो हमारे जो स्विंग्स होंगे वही हमारे टारगेट्स होंगे ये हमारा फर्स्ट स्विंग था ये हमारा टारगेट बनेगा अराउंड थर्टी नाइन थ्री हंड्रेड थर्टीन नेक्स्ट स्विंग हमारा आया थर्टी नाइन टू सेवेंटी फाइव ये हमारा नेक्स्ट टारगेट बनेगा और उसके बाद हमारा एक और स्विंग जो हमें मिला थर्टी नाइन टू थर्टी टू ये हमारे टारगेट्स होंगे आपको इसी तरीके से करना है स्विंग्स छोटे छोटे जो मिलते हैं आपको वहां पे क्या करना होता है कि आप यहाँ पर फिफ्टीन मिनट की क्लोजिंग वो आप यहाँ पे बाय करोगे चाहे आप यहाँ पे कॉल राइट करते हो या पुट बाय करते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पर अपने लोड्स जो है वो हल्के करते जाना है और अपने प्रॉफिट बुकिंग करते जानी तो इस तरीके से ये टारगेट्स होंगे तो टारगेट्स हो गए अपडेट्स हो गए एंड लर्निंग भी हो चुकी है जो स्ट्रेटजी वाइज है जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है उसके लिए मैं एक वीडियो निकालू ये मैं डिसाइड करती हूँ उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ बाकी थैंक यू सो मच बी प्रोफेशनल ट्रेडर एंड हैप्पी फाइनेंशियली